अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ब्रांड न्यू रेसिपी। कैसे हैं आप? खुश हैं, आबाद हैं, जहां भी हैं हंसते मुस्कुराते हैं। पहले जल्दी से दूर और शक्कर की तरह। यस आमीन। अच्छा गाइस, पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, फिर वॉच करना, फिर शेयर करना। ओके, आप लाइक नहीं करते बट आप कमेंट्स कर देते हैं, लाइक नहीं आप करते। प्लीज लाइक भी कर दिया करें, बस आपने ऐसे करना है, पुश और लाइक हो जाना, सिंपल। आज गुरशिखर के किचन में बनने लगी है जी कड़ी पकौड़ा। वाह, आज बनेगा पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा। वाह, जो बहुत शौक से विलेज में खाया जाता है वो आज गुरशिखर घर में बना रही है। ये हमने योगर्ट लिया 700 ग्राम और उसमें हम डालेंगे बेसन 1/2 कप। और विक्स की मदद से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जो बेसन है वो योगर्ट में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें वाटर डालते हैं। ये देखें गाइस, ये हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड पे करते हैं। ये बेसन ऐड किया मैंने, 1 पाव हमारा बेसन है जिससे हम पकोड़े बनाएंगे। ये अनियन इसमें ऐड किए हैं, 1 मीडियम साइज़ का अनियन था, ग्रीन चिली 3 से 4, और ये जाएगा धनिया हैंडफुल, और ये स्पाइसेस हैं, साल्ट है 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और उशक धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सारा जाएगा इसमें। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे, एक थिक सा बैटर बना लेंगे पकौड़ों के लिए। देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के ना मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखें गाइस, ये हमारा पकोड़ों के लिए जो मटेरियल है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे, लेकिन जब हम पकोड़े फ्राई करने लगेंगे ना तब ऐड करेंगे, ठीक है। आपने बैटर थोड़ा थिक रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े गोल मटोल से बने फूले फूले तो फिर बैटर को आपने थिक रखना है। अगर आप रनिंग रखेंगे ना तो फिर वो फैल जाएंगे पकौड़े, ठीक है। चले तो वीडियो को स्टार्ट कर रख लिया। अब इसमें जाएगा ऑयल, 1/2 कप ऑयल ऐड करते हैं। अब इसमें जाएगा क्यूमन सीड जाएगा 1 टीस्पून, ये देखिए क्रैकल हो चुकी है। अब इसमें जाएगा अनियन, 1 मीडियम साइज से छोटा अनियन, ऐसा अब जाएगा गार्लिक फ्रेश 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली क्रश 3 से 4 टेबल स्पून, साथ ही 1 टमाटर पेस्ट, इसका मैंने पेस्ट बना लिया क्योंकि पेस्ट सही रहेगा। मिक्स वेल। अब स्पाइसी चाहिए, साल्ट 1/2 टीस्पून क्योंकि लस्सी जो बनाई है उसमें भी है छाछ में, रेड चिली 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, हल्दी ज़्यादा जाएगी क्योंकि उससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा से फिर भून दिया मसाले को। अब जाएगा हमारा वो छाछ जो हमने रेडी की थी, वो ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस, ये वाटर ऐड करने लगे हैं 1 लीटर। जब तक बॉयल ही ना आता आपने स्पून हिलाते रहना, जब ऑयल स्टार्ट होगा ना फिर आपने स्लो पे कर देना और 1 घंटा इसे पकने के लिए आपने रख देना, ठीक है। उधर हम पकौड़े रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऑयल आना स्टार्ट हो गया, अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम इसे कुक करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। पकौड़ों के लिए आ जा, चाहेंगे पकौड़े फ्राई होने।
मारेंगे। जब ये नीचे से कुक हो जाते हैं ना, खुद ही फ्लोट कर जाते हैं। लेकिन गाइस पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। देखिए कितने गोल्डन रोल से बने हैं, ऐसे ही सारे फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए कढ़ी हमारी हो चुकी है डन। अब इसमें जाएंगे पकौड़े हमारे। ये देखिए पकौड़े सारे जाएंगे, ये कुछ रख लेंगे खाने के लिए, क्योंकि जब भी कढ़ी पकौड़ा बने सेपरेट पकौड़े में दिल करता है खाने, ये साथ रख लेंगे। अब डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी अब हम करते हैं डिश आउट कढ़ी को। माशाल्लाह अभी ये जाएंगे रेड वाली मिर्ची, गोल वाली है, और साथ ही जाएगा जी हमारा धनिया। जाएंगे क्यूमन सीड, और ये जाएगा ऊपर से गर्मा गर्म ऑयल। जो गाइस पकौड़े बनाए हैं वो भी ऑयल गर्म है, वो मैंने ऐड किया। ये देखिए जी माशाल्लाह कढ़ी हो चुकी है डन। ये देखिए जी माशाल्लाह कढ़ी पकौड़ा हो चुका है डन। पंजाबी स्टाइल में कढ़ी पकौड़ा मस्ट ट्राई कीजिए गाइस। इसकी लुक चेक करिए, इतना जबरदस्त बनी है पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। वाओ, विलेज में ये बनता है ज़्यादा, और सिटी में बहुत कम लोग बनाते हैं, कभी वेदर अच्छा हो तो फिर बनाते हैं। और आज हमने आपके लिए स्पेशल ये बनाया है, और आपने मस्ट ट्राई करना है गाइस। फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्यूट सा कमेंट्स करना है। ओके गाइस, आप कमेंट्स करते हैं बट आप लाइक क्यों नहीं करते? क्या आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती गुरशकर की? प्लीज़ लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है इंसान के अंदर, फिर और दिल करता है और अच्छा वर्क करें और अच्छा काम करें। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है? और इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, रियली बहुत यम्मी की बनेगी। और ये देखिए इसकी लुक की बता रही कितनी यम्मी की लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। ओके अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, अपना बहुत ही याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय, टाटा। ओके अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।